दिल्ली के बहुचर्चित साक्षी हत्याकांड पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि साक्षी हत्याकांड में आरोपी मुस्लिम युवक को फांसी की सजा दी जाए। बजरंग दल कार्यकर्ता अनुराग जायसवाल ने कहा कि दिल्ली में हिंदू बेटी साक्षी के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखदायी है। इससे पहले भी जिहादियों ने हमारी बहन बेटियों को प्यार के झूठे जाल में फंसाया है और उनकी हत्या की है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस मामले में आरोपी साहिल को फांसी की सजा दी जाए और उसके साथ ही हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं ऐसा कानून बनाया जाए जिससे इन जिहादियों को तुरंत सजा मिल सके। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपते हैं कि इसमें तत्काल जल्द से जल्द उस साहिल को फांसी की सजा दी जाए और ऐसी कई घटनाएं जो दिन प्रतिदिन देश में बढ़ते जा रही है, एक ये सोचा समझा सदियन हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ लव जिहाद के रूप में बनाया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है। हम शासन से, देश से और सरकार से मांग करते हैं कि इन सब विषयों को लेकर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें इनके लिए, लव जिहादियों के लिए तत्काल फांसी की सजा दी जाए या ऐसी जो घटना घटित होती है उसमें उचित कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।